और वो खबर आपको बता दें जहां नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होगा। वहीं 25 दिसंबर को समारोह का आयोजन किया जाएगा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। नए मतदाताओं को मतदान पहचान पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की जहां नए मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा, इसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। 25 दिसंबर को इस समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर और जानकारी? जिस तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नए मतदाताओं को जोड़ने का एक संकल्प अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में नए मतदाताओं को जो जोड़ा गया है उनकी संख्या एक बहुत भारी स्थिति में दिख रही है। तो इन सारे मतदाताओं को एक आयोजन के तहत सम्मानित किया जाएगा। नए मतदाताओं को सम्मानित करने का जो अभियान है वो 25 दिसंबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक राज्य स्तरीय समूह का आयोजन किया जा रहा है जिसके माध्यम से उन सभी का सम्मान किया जाएगा। फिलहाल जो अभी जानकारी मिली है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आनंदीबेन पटेल यानी राज्यपाल उत्तर प्रदेश की वो शामिल होंगी और कहा यह भी जा रहा है कि समारोह में निर्वाचन के इतिहास से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसमें ईवीएम वीवीपैट इन सब से जुड़ी हुई जो जानकारियां अब तक निर्वाचन आयोग देखता आया है उन सभी को अभी प्रदर्शित किया जाएगा। उन सबके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी उस दिन काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया विजय जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं नए मतदाताओं का सम्मान किया जाना है। आपको बता दें इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें मतदाता दिवस पर 25 दिसंबर को समारोह का आयोजन होगा।